Good morning all of you. Today we are going to learn name two in computer. Name two क्या है, आप कोई भी दो लिख सकते हो. यहाँ पे जितने भी टाइप्स दिए हैं या फिर कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे टॉपिक, आप उनमें से अगर टू से ज्यादा है तो आपको जो इजी लगे लर्न करने में उन दोनों में से चारों या कहीं पे पांच ऑप्शंस होते हैं तो वो फाइव में से आपको सिर्फ यहाँ पे कितने लिखने होते हैं, ओनली टू. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आपकी बुक्स में से सिर्फ आप लोग लिमिटेड मत रहिएगा कि जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है सिर्फ उसे ही लर्न करना है. नो, आपके बुक में अगर और भी इसके अलावा है देन इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन और उसे भी क्या करना है आप लोगों को लर्न करना है. ओके, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन हम लोग कितने तरह के कर सकते हैं, तो बहुत तरीके से कर सकते हैं लेकिन वी हैव टू राइट ओनली टू हियर. सो फर्स्ट वन हियर इट इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या होगा आपका, यानी रेक्टेंगल फॉर्म में, लाइक दिस यू कैन से इट हियर दिस वे. ओके, यानी ये इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में आपका सिलेक्शन करेगा. नेक्स्ट इट इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन. Now, what is the meaning of free form selection? Now, the free form selection means, यानी जिस तरीके से आप पेंसिल किधर से भी चला सकते हो, इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर, इन द सेम वे इज द फ्री फॉर्म सेलेक्शन. नेक्स्ट इट इज टाइप्स ऑफ मोड. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो मोड में क्या होते हैं, अपने आप को लोड करता है. सो द फर्स्ट वन इट इज सेफ मोड, जिसमें कि जो एसेंशियल फाइल्स होते हैं वो सारा क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो जितनी भी जरूरत की फाइल्स होती हैं, जो जरूरत होता है वो सारा इस मोड में लोड हो जाता है. सेकेंड इट इज नॉर्मल मोड. वॉट इज मीन बाई नॉर्मल मोड? नाउ इन नॉर्मल मोड एवरी फाइल्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो जरूरी है या नहीं, ऑल इट्स लोड्स इन द मेमोरी. थर्ड इट इज टाइप्स ऑफ ड्राइंग टूल्स. पेंट में हम लोग बहुत सारे ड्राइंग टूल्स यूज करते हैं. एनी टूल यू हैव टू राइट इट डाउन हियर. आई हैव रिटन फर्स्ट वन इट इज पेंसिल टूल. एज यू ऑल नो पेंसिल हाउ वी आर यूजिंग, इन द सेम वे इन पेंट ऑल्सो वी कैन यूज दिस पेंसिल टूल. नेक्स्ट इट इज टेक्स्ट टूल. नाउ व्हाट इज टेक्स्ट टूल? टेक्स्ट का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा पेंटिंग है और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं. यानी टेक्स्ट होता है कुछ भी लिखा हुआ. जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड करना चाहते हैं अपना नेम, मान लीजिए लाइक सुनीता, SUNITA, सुनीता. और वी वांट टू ऐड हियर सम टेक्स्ट लाइक चिनू, CHINU. ओके, तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे टेक्स्ट. यानी अपने पेंटिंग में अगर हम अपने खुद का नाम लिखना चाहते हैं या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन से टूल का यूज करेंगे, टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे. नेक्स्ट कम्स दी बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट. यानी जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, दैट इज नोन एज दी बेस. नॉर्मली वी आर यूजिंग इन इंटरनेट, दैट इज बेसिक टर्म्स. एनी टू यू कैन राइट हियर ऑल्सो. आई हैव रिटन वेबसाइट एंड होम पेज. वेबसाइट क्या होता है, यानी किसी भी साइट में अगर हम लोग जा सकते हैं, लाइक याहू, इट कैन बी एनी अदर. और होम पेज, जो पहला पेज किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो, दैट इज नोन एज द होम पेज. नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड विंडो. नाउ कंपोनेंट्स का मतलब होता है यानी उसमें और क्या क्या चीजें ऐड हुई होती हैं. तो अब कौन कौन सी चीजें ऐड रहती हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. देर आर मेनी अदर वेरियस फाइल्स लोकेटेड विद दैट, यानी वहां पे बहुत सारे फाइल्स होते हैं. आपको यहाँ पे क्या करना है, एनी टू यू हैव टू मेंशन इट हियर, यानी कोई दो लिखना है आपको यहाँ पे. सो आई हैव रिटेन हियर रूलर, यानी स्केल. सेकेंड इट इज रिबन, जहां पे बहुत सारे कमांड्स होते हैं. वेब ब्राउजर्स, अगर हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर का. और विदाउट वेब ब्राउजर वी वोंट बी एबल टू यूज द इंटरनेट. जैसे इंटरनेट पैक डलवाते हैं तो उसको चलाने के लिए हम लोग को वेब ब्राउजर की जरूरत होती है. सो फर्स्ट वन इट इज ओपेरा, सफारी. एनी यू कैन राइट लाइक ब्रेव, इट कैन बी एनी अदर, गूगल क्रोम, इज इंटरनेट. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर.
देर आर वेरियस अदर सॉफ्टवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हो यहाँ पे. आई हैव रिटन हियर विंडोज 10 लिनक्स. नाउ इट इज सर्च इंजिन. यानी सर्च इंजन क्या होता है, अगर कुछ चीजें हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं नेट पे तो उसके लिए हम लोग सर्च इंजन का यूज करते हैं. फर्स्ट इट इज गूगल एंड सेकेंड इट इज बिंग. पार्ट्स ऑफ सीपीयू, जो सीपीयू जो ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. यू हैव टू राइट ओनली टू. आई हैव रिटन ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकेंड इट इज CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट. यानी कंट्रोलिंग का सारा वर्क CU करता है, और जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ALU. टेंथ इट इज प्राइमरी स्टोरेज. यानी जो पहला स्टोरेज, जो बेसिक स्टोरेज होता है, मेन जो होता है, दैट इज रोम एंड रैम. दैट इज रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. वर्ड प्रोसेसर्स, जिसपे हम लोग अपना टाइपिंग या फिर अदर वर्क्स कर सकते हैं, दैट आर MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट. एनी टू यू कैन राइट इट हियर वर्ड प्रोसेसर. दो भी कोई भी आप यहाँ पे दो लिख सकते हो. नेक्स्ट इट इज शॉर्टकट कीज. बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं. यू हैव टू राइट ओनली टू हियर. आई हैव रिटन हियर CTRL+O एंड CTRL+N. नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी यानी जैसे कि आप पेन ड्राइव यूज करते हो, CD यूज करते हो, DVD, मेमोरी कार्ड, दिस ऑल आर द सेकेंडरी स्टोरेज. आई हैव रिटन हियर CD एंड DVD. 14th, components of a desktop. अब desktop पे कौन कौन सी चीजें होती है, that we have to write it down here. The first one, it is icons. As you all know, जो small pictures होते हैं हमारे desktop पे दिखाई देते हैं, that is known as the icons, जो एक program होता है. And next it is task bar. Task bar क्या होता है, जो horizontal bar आपको नीचे दिखाई देता है desktop के, that is the task bar. So what you have to do is you have to learn this and you have to write it down in your classwork copy. So that's all for today. Thank you.